और यही पवन सिंह को आपसे पहले मगहिया जवाब थोड़ी हुरवा कहता था, भाई को बॉलीवुड में जाना है और बॉलीवुड में ऐसे ही जाएंगे, थोड़ी हुरवा छोड़ के थोड़ी चूसना कहना पड़ेगा भाई। तो भाई पवन सिंह का नया लोकगीत आ चुका है और पता है नाम क्या है? सड़िया। इससे पहले आया था सड़िया बुलुकिया और उससे पहले आया था पियर फराक, मतलब अभी सिर्फ और सिर्फ सड़िया। अब देखिए भाई, गाने का पूरा कहानी ये है कि लड़की पूरा सज धज के तैयार हो जाती है, खुद को डेकोरेट कर लेती है, लेकिन दिक्कत बस एक होता है और वो है पिन का, मतलब उसका पल्ला जो है वो बार बार सरक जाया करता है। और पवन सिंह से इतना ही कह रही है लड़की, अब उसके बाद पवन सिंह कुछ इस तरीके से बोलते हैं, अब ऐसा कौन सा नजर है भाई पवन सिंह का? नहीं नहीं, मतलब सड़िया पे इनका नजर जैसे ही जाएगा तो साड़ी फिर से बदलना पड़ेगा लड़की को, मतलब यार ऐसा भी कौन सा नजर होता है, हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब आप समझिए कि गाना पूरा का पूरा दुवर्ती है, मतलब कुछ कांड होगा, साड़ी पे नजर जाएगा तो इसके बाद साड़ी फिर से दूसरा पहनना पड़ेगा भाई, कुल मिला ये कहानी यही है। और गाने का एक जगह पे आप देखिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से नजर देगा, और यही पवन सिंह को आज से पहले मगहिया जवान थोड़ी हुरवा कहता था, लेकिन पता है थोड़ी हुरवा कहना छोड़ क्यों दिया था? क्योंकि जो पवन सिंह कर्मकांड करते थे ना अपने मॉडल्स के साथ, तो अब बिल्कुल छोड़ चुके थे, इसलिए हम लोग भी नाम लेना बंद कर दिए थे। लेकिन अब थोड़ी हुरवा छोड़ के थोड़ी चूसना कहना पड़ेगा भाई, नहीं मतलब जिस तरीके से कर्मकांड कर रहे हैं अभी यहाँ पे, भाई को बॉलीवुड में जाना है और बॉलीवुड में ऐसे ही जाएंगे, यही सब सीढ़ी है जो बॉलीवुड में इनको लेके जाएगा और बॉलीवुड में भी जाके यही करेंगे भाई। नहीं नहीं मतलब आप बॉलीवुड में कभी देखते हैं क्या कि लोग इस तरीके से धोड़ी को चूसा करते हैं जैसे पावर स्टार पवन सिंह इस लड़की के साथ कर रहे हैं अपने गाने में? मतलब यार बिल्कुल, मतलब वाहियात लगा, बहुत गंदा लगा। और गाना तो द्वारती है वो तो मतलब अलग ही, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए भाई। और आज ही इस गाने का इवेंट है लखनऊ में, और बताइए तो वहां पे स्क्रीन पे चलेगा, बड़ा स्क्रीन पे, और लोग वहां पे आए हुए होते हैं क्रिएटर्स, उसमें बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं, और इस तरीके से पवन सिंह का कांड देखेगी तो मतलब क्या ही समझेगी। खैर वो समझे ना समझे, इंटरनली तो दिल में एक छाप छोड़ ही जाएगा कि पवन सिंह का गाना बहुत ही बेकार है ये वाला सीन, लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पवन सिंह से उनको फायदा है, वहां पे अगर कुछ बोल दिया जाएगा तो फिर स्टेज पे मौका कैसे मिलेगा पवन सिंह के साथ कमर लचकाने का, ये भी तो बात है। खैर यार आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। हाँ ये सोच के मत बताइएगा कि जैसे पवन सिंह आपके चचा और मौसा हैं और हम उनको गलत कह दिए, आप एकदम इंसानियत से बोलिएगा कि इस तरह का सीन क्या हमारे भोजपुरी में आना चाहिए।